तो दोस्तों, छोटा पाकिट बड़ा धमाका, बड़ा पाकिट लक्ष्मी वाला पटाखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को, भाई लोग बहुत बहुत बधाई हो। ईशान किशान भाई, लव यू यार, दिल जीत लिया ईशान किशान ने और श्रीयास ने। तो भाई आज ना रबाडा है, बटाडा है, कौन है वो साउथ अफ्रीका का बॉलर जिसने जख्मी किया है हमारे छोटे ब्रदर को, उसको धो डाला। भाई जिस तरीके से हारे थे ना, उससे डबल होके जीते हैं भाई, जबरदस्त यार, मजा आ गया भाई। आज एमडी सिराज और श्रीयास और स्पेशली ईशान किशान भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है आज, बहुत मजा आया मैच का। और दोस्तों, सैमसन संजू स्टार्टिंग में जब वो आया था तो वो थोड़ा स्लो खेल रहा था, वो कमेंटेटर भी बोल रहा था कि भाई ये कैसा, ये आज कुछ अलग तरीके से खेल रहा है भाई। वो दरअसल ना उसकी सेंचुरी करवाना चाह रहा था भाई, श्रीयास की सेंचुरी करवाना चाह रहा था, इस वजह से उसके सेंचुरी के बाद ना उसने भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया भाई, मजा आ गया भाई, लव यू, बहुत जबरदस्त मैच भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बहुत सारा प्यार भाई, दिल जीत लिया है भाई। छोटे 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 ईशान किशान हमारा छोटा भाई है भाई, आज बहुत जबरदस्त खेला, बहुत बहुत ही अच्छा खेला भाई। इनका फ्यूचर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं भाई, ये लोग जरूर वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे। और इतनी ज्यादा खुशी इस मैच की हुई है भाई, जितना गुस्सा या जितना बैड फीलिंग हुआ था पिछले मैच में भाई, सब सब जो है ना वो बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया भाई, पैसा वसूल माँ की आंख। और स्पेशली ना ये अफ्रीकन बॉलर की वो जो क्या नाम है, महाराज है ना, उसका शक्ल देखने वाला था भाई। भाई गुस्सा कितना आ रहा था भाई। भाई बी टीम ने वर्ल्ड कप की टीम को फेल दिया और ऐसी धुलाई की है जैसे खान बाबा का पतलून ना देसी टाइप से धुलाई हो, पटक पटक के मारा जमीन से भाई। भाई बहुत जबरदस्त, इंडिया के लिए तो बड़ा खुशी का मकाम है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भाई ये बहुत कतरे की गलती है कि भाई बी टीम ने इतना गंदी तरीके से हराया है ना इनको भाई। अब ये लोग मेरे ख्याल से वो इनका कैप्टन है बुमुम्बा, उसको ये लोग, इनके दिमाग में आ रहा था कि यार वो अच्छा कैप्टन, उसको बहुत सारी गालियां पड़ रही है अफ्रीका की तरफ से कि ये अच्छा नहीं खेल रहा, उन्होंने वो आज था भी नहीं, फिर भी इनकी बुरी धुलाई हुई भाई, पता नहीं क्या होगा। साउथ अफ्रीका का वेल प्लेड जो भी है, बॉलर अच्छे हैं उसके, और डेविड मिलर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसके
छोटी बेटी का डेथ हुआ है तो आरआईपी बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से। वो मीडिया वालों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो उसकी फैन थी, वो छोटी बच्ची उसकी चाहने वाली थी, तो मेरे ख्याल से उसकी डेथ हुई है। अब भाई 50-60, कोई बोले डॉटर थी उसकी, कोई बोले नहीं बेटी नहीं थी उसकी, फैन थी, लेकिन जहां तक ज्यादातर लोग बोल रहे हैं ना, तो वो उसकी बेटी नहीं थी डेविड मिलर की। अब भाई किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे न्यूज देखे भाई, दो टाइप के न्यूज चल रहे हैं भाई। कोई बोल रहा है कि डॉटर थी, कोई बोल रहा है कि नहीं भाई उसकी डॉटर नहीं। भाई जो भी था उस वो जो बच्ची जो भी थी भाई, आरआईपी उसके लिए भी, वेल प्लेड। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, लेकिन कतरे की घंटी सिर्फ ये है दोस्तों कि भाई वर्ल्ड कप अभी 7-8 दिन ही बचे में, लेकिन यहाँ पे भाई ईशान किशन, श्रियास और एमडी सिराज और सैमसन संजू ने इनको ऐसा धोया जैसे कान बाबा की पतलून को सड़क किनारे कोई धोता है, पटक पटक के। भाई जिस तरीके से लोग पहला ओडीआई हारे थे ना, माँ कसम उससे डबल ये लोग आज जीते हैं भाई। आज ना दुगना दुगनी खुशी हुई है भाई। और पिछला जो थोड़ा बहुत गम हुआ था, दुख हुआ था ना, वो सारा हट गया भाई। उस टाइम भी हमको नाराज नहीं होना चाहिए था भाई, ये बी टीम है, ये वर्ल्ड कप की टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आज इनका मैच देख के ना भाई, इनका फ्यूचर मेरे को आंखों से नजर आ रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन श्रियास के लिए कि उनकी सेंचुरी भी हुई, लेकिन सो सैड ईशान किशन के उनकी नहीं हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उनको बॉल लगी उनके हाथ पे, बहुत बुरी तरीके से उनके हाथ पे बॉल लगी, यहाँ पे उनका जख्म भी आया है। अब नहीं पता कि वो बाद में पता चलेगा कि वो कितना इंजुरीड हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जबरदस्त खेल है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। लव यू ऑल दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।